डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं यानी कि और मल्टीपल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, गुणज क्या होते हैं किसी नंबर के। यदि आप इसको सीख जाते हैं तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एचसीएफ एलसीएम निकालने आ जाता है आपको फ्रैक्शन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और यदि फ्रैक्शन आ जाता है तो आगे परसेंटेज जो चैप्टर है या रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये सभी चैप्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसको सीखने के लिए आपको इसको सीखना ज़रूरी है। तो समझते हैं कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का। फैक्टर हिंदी में कहें तो गुणनखंड, गुणन यानी कि गुणा और खंड यानी कि पार्ट पार्ट, हिंदी में समझेंगे तो खंड यानी कि पार्ट पार्ट, किसी नंबर को कई टुकड़ों में तोड़ देना जो कि उसको गुणा करने मिल जाए। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 12, तो 12 के कौन कौन फैक्टर्स होंगे यानी कि 12 किससे किससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा उनको कहते हैं गुणनखंड। यानी कि एक और शब्द इसके लिए आता है अपवर्तक, अपवर्तक शब्द आएगा, इसी से बना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको आप आसानी समझ जाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो गुणनखंड क्या होता है यानी कि इस नंबर को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं वो होता है इसका गुणनखंड। तो 12 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही 2, 2 से क्या यह डिवाइड होगा, लास्ट में 2 है यानी कि 2 के टेबल में यह आता है 12, इसीलिए पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है। और कौन फैक्टर है, 2 से हो गया 3, 3 से डिवाइड होगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि 12 आता है यहाँ पर 3 के टेबल में, 3 भी इसका एक फैक्टर है। फिर 4 क्या इसका फैक्टर है, हो जाएगा 4 भी इसका फैक्टर है, 4 3 12। और कौन फैक्टर है, 6, 5 इसका फैक्टर नहीं है, 6 से ये डिवाइड हो जाता है, 6 का क्या है, एक फैक्टर है, 6 है। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा 6 के आगे 12 खुद ही है इसका फैक्टर, यानी कि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो इस तरह आप देखेंगे इसके कुल कितने फैक्टर हैं, 3 और 3 6 फैक्टर हैं इस नंबर के। तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही अन्य नंबर ले लें अगर तो उसका भी आप गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर निकाल से। जैसे हम ले लेते हैं 21 किसे किसे डिवाइड होगा, सबसे पहले आप लेंगे 1, इसका लिखने का एक ट्रिक है उसको समझते हैं, 1, फिर आप अपने से सोचेंगे फिर दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 1 के आगे 3, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है, लास्ट का जो अंक है 2 से नहीं कटता है, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, 3 है, 3 से 3 से 1 जा 20 बनाता है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 भी नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 इसका फैक्टर है, और लास्ट वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 21। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसको लिखने में आसानी क्या होगा, यदि आप आधा लिख लेते हैं तो आधा आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, जब आपको यहाँ पर मिला 4 3 12, ये एक दूसरे के साथ साथ है, यहाँ पर मिला 3 7 21, यही चीज़ मिल रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि 4 3 12 मिल रहा है, और यहाँ पर तो इसी तरह आगे वाला भी ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, 6 2 12, और यहाँ पर 12 1 12, ऐसे यहाँ पर 21 1 21। तो आपको लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप आधा भी लिख लेते हैं, और जहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन साथ साथ आ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बाकी सबका निकाल सकते हैं। जैसे अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर हो जाता है मान लेते हैं हमारा 24। 24 को कैसे लिखेंगे, इसका फैक्टर क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर समझते हैं, 24 सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 से सभी डिवाइड होते हैं, 1 सभी का फैक्टर है। फिर अगला नंबर क्या होगा, 2 से ये डिवाइड होगा, कितने बार में, 12 बार में। अगला नंबर कौन सा है, 3 से भी आता है, 3 8 24, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 6 24, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से 6 4 24, 6 आप देखेंगे यहाँ पर फिर से मिल रहा है एक साथ इन दोनों में। इसके बाद निकालना जो है वो सिंपल हो जाता है इसकी वजह से, यदि 4 6 24 तो 3 8 24, अगला 8 होगा, ऐसे ही 2 12 24, तो यहाँ 12 होगा, इसके बाद कौन होगा, 1 है तो 1 24 24। तो इस तरह आप सभी फैक्टर निकाल सकते हैं सिंपली, यदि आप आधा भी निकाल लेते हैं तब भी। या दूसरा भी मेथड है, आप एलसीएम निकालिए और उसके बाद देखिए कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम 24 का, है ना, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना, इसका एक शब्द आता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन,
ये भी आता है कभी कभी कि किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, तो इससे आप ये फैक्टर भी लिख सकते हैं और प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पर ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 12 जा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 जा 24, फिर किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3 1 जा 3, और लास्ट में किससे डिवाइड हो सकता है 1 से। तो ये हो गया, इसको 1 से डिवाइड नहीं करते हैं, या कर भी दिए तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये फैक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसका फैक्टर निकले तो यहाँ पर 1 हो गया एक फैक्टर, फिर हमारा एक 2 हो गया है ना, उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, एक एक अकेला 3 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया, ऐसे ही 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12 हो गया यहाँ पर, और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने फैक्टर हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम लग जाएगा, आपको छोटे छोटे नंबर ही मिलते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप आसानी से निकाल सकते हैं अपने से भी। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर होता है जिनका मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला है यहाँ पर 2 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर रह जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाता है, और ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर हमने बताया था नंबर सिस्टम में कि ऐसे नंबर जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो ये 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, इस रूप में जब लिखते हैं इसको मिक्स करके, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टर्स लिखना, उसकी तरह आप लिख सकते हैं। ऐसे भी आता है कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में कौन सा लिखा गया, 4 ऑप्शन रहेंगे, किसी में ये 3 2 जा 6 लिख दिया रहेगा और बाकी सब ऐसे रह जाएंगे ऑप्शन, है ना। तो इन दोनों में से प्राइम फैक्टर कौन होगा 24 का, तो आप इस वाले को टिक करेंगे कि ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स नाम से यहाँ पर आप समझ जाएंगे। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उभय मतलब जो दोनों पर है, जैसे आप पढ़ते हैं उभयचर, जो धरती पर भी रहे और जल में भी रहे, जैसे मेढक, तो ऐसे साइंस में आप पढ़ेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन, जो दो चीज़ों में इन्वॉल्व हो, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर के फैक्टर हों। तो आपको दो नंबर्स दिए रहेंगे और उनमें छांटना रहेगा कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कौन है, कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। जैसे कि हम ले लेते हैं 21, 21 के गुणनखंड कौन कौन है, तो निकालते हैं पहले 1 3 7 और 21, ये चारों क्या हैं, इसके गुणनखंड है, कॉमन इसके फैक्टर्स हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 35, 35 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसको यदि अंकों को डिजिट को सम करें तो 8 आता है, ऐसे ही अगला हो जाएगा 7 और फिर अगला हो जाएगा 35, ये भी 4 नंबर से डिवाइड होगा। अब इसमें से हमको छांटना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन होंगे, कॉमन फैक्टर्स, तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो दोनों में हो, जो दोनों को डिवाइड करते हो ऐसे फैक्टर्स, तो 1 है हमारा कॉमन फैक्टर, एक हो गया 1, दूसरा क्या है 7, 7 दोनों में है, सेकंड फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है 7। तो इस तरह आप छांट लेंगे कि कौन कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों को जो डिवाइड करता हो, ऐसे जो पार्ट होते हैं, ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स या उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको ऐसे दो नंबर्स दिए रहेंगे, हम आपको एक नंबर दे देंगे, दो नंबर, और उनमें आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड कमेंट करके बताना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम नंबर देते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइए, ये है हमारा प्रश्न 30 और सेकेंड नंबर है इसके साथ साथ 25, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा उसको आप कमेंट करके बताइए। यदि किसी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं मिलता है तो एक रहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर एक सम में रहेगा क्योंकि एक सबको डिवाइड करता है, अन्य मिले या न मिले लेकिन एक सम में रहेगा। अगला टॉपिक है हमारा गुणज, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, या एक और शब्द आता है इसके लिए अपवर्त्य, एलसीएम का जब फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि अपवर्त क्या था, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम में पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल क्या होता है,
गुणज, यानी कि ऐसे नंबर का गुणा करते जाएं नेचुरल नंबर से। जैसे कि टू ले लिए, टू का गुणज क्या होगा इसको एग्जांपल समझते हैं। टू का गुणज कौन कौन होगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टेन, ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, या हंड्रेड ले लिए, जो जो भी टू से मल्टीपल है, यानी कि टू का मल्टीपल लिखने मतलब है जो जो टू से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या है, टू के मल्टीपल हैं। नेचुरल नंबर में क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नेचुरल नंबर रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि माइनस में चला जाए। ऐसे और मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे कि सिक्स का कहें कि सिक्स के फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखिए, सिक्स के प्रथम पांच गुणज लिखिए, पांच, तो छः कम छः, छः दूने बारह, छः त्रिक अट्ठारह, छः चौक चौबीस, छः पचे तीस, ऐसे आप पाँच लिख सकते हैं, अन्य भी नंबर्स रहेंगे। ये सिंपल मेथड है, ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं आपको लिखना रहेगा, सिंपल रहेंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे, कौन सा है ऑप्शन उसको चेक करना रहेगा। और अगर हम ले सकते हैं एग्जांपल गुणज में, तो एक और शब्द आता है यहाँ पर, कॉमन गुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणज, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ जब शब्द आता है तो यहाँ पर दो नंबर की बात होती है, दोनों में जो कॉमन हो, यानी कि दोनों में जो मिक्स हो, सेम नंबर, जैसे कि गुणज ले लिए इन दोनों का, या अन्य नंबर ले लेते हैं, जैसे थ्री का गुणज, थ्री का गुणज पाँच लिखते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, इस तरह इतने गुणज हो गए पाँच। और यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं फोर के, फोर के पाँच गुणज लिखते हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी। इन दोनों में अगर कहें कि कॉमन गुणज कौन है, यानी कॉमन मल्टीपल कौन है, उभयनिष्ठ गुणज, तो उसको कैसे छांटेंगे आप, तो जो दोनों में हो, जैसे कि 12, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से जो कट जाए वो ऐसा नंबर क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो 12 क्या है, उभयनिष्ठ गुणज है यहाँ पर, इस तरह आप लिख लेंगे। गुणनखंड में अलग है, फैक्टर्स करना है, उसी के पार्ट हैं। और एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, जो गुणज है वो वही नंबर भी है, और गुणनखंड में भी वो नंबर ही गुणनखंड हो सकता है, लास्ट वाला, यानी कि सबसे बड़ा रहता है गुणनखंड, वो वही नंबर रहता है, सबसे बड़ा गुणनखंड जो रहेगा, फैक्टर जो रहेगा। और एक जो है सभी का क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है, एक सभी को डिवाइड कर लेता है, लेकिन एक सभी का गुणज नहीं है। गुणज जो है सबसे छोटा जो गुणज होता है, मल्टीपल होता है, वो खुद वही नंबर रहता है, सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही नंबर रहता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है खुद वही नंबर रहता है, यहाँ पर जो 35 फैक्टर है खुद का ही। तो इस तरह आप लिख लेंगे। अन्य हम एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर इसको आप कमेंट करके बताएं। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, दो क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व करके बताइए। पहला क्वेश्चन है, छः के पहले चार गुणजों का योग है, सम ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ सिक्स इज, छः के प्रथम चार गुणज लिखिए, उनको ऐड कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 45 के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स ऑफ 45 इज, यहाँ पर लिखना है कि 45 के कौन कौन गुणनखंड है, गुणनखंड लिखना हम बताए हैं, तरीका भी बताए हैं, आप उसको लिख कर बताइए और यहाँ पर कमेंट करिए कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।